अच्छा, बुक जो हम फॉलो करेंगे ना जावास्क्रिप्ट के लिए, वो ये वाली बुक है, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, इस बुक्स को हम ज़ाहिर है पूरा फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इस बुक में ना एटमास्क्रिप्ट 6 का जिक्र नहीं है, ये पुरानी बुक है, ES5 में लिखी थी। तो हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, वो वाला नहीं आ रहा, हम टॉपिक वही वही पढ़ेंगे जो इसमें हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ES6 के तरीके में ना। अच्छा, तो इस बुक में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भाई ये बुक डिज़ाइन की गई है कि 10 मिनट आप इसको पढ़ो और 20 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर के आखिर में एक प्रैक्टिस का एक सेटअप बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर चैप्टर के आखिर में एक लिंक है, तो उस लिंक पे जाके आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 पे हम आ गए। चैप्टर नंबर 1 पे इन्होंने सबसे पहला क्या कोड बताया, ये पहला कोड इन्होंने जो बताया है वो बोला है अलर्ट। और अलर्ट से होगा क्या, अलर्ट से ये होगा कि एक पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पे और जो आपने अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है ना वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड में हम ये करने लगे हैं, अभी भी नहीं आया, दोबारा शेयर करता हूँ। यार इस वाले में ना कुछ है, प्रॉब्लम है कुछ, इस वाले को बटन भी नहीं दबाना पड़ता, खुद ही ऑन हो जाता है। ये मैंने ही कॉन्फ़िगर किया था दोनों को, शुरू में सही था, बाद में पता नहीं इसको क्या हो गया, शायद इन्होंने कोई ये डिवाइस चेंज किया इसकी ना, क्रोमकास्ट जो लगा हुआ है ना, क्रोमकास्ट इन्होंने गालबन चेंज किया, उसके बाद जो ना ये मसला करता है। मेरे पास घर पर भी क्रोमकास्ट है, तो मैं उसी हिसाब से मैंने सेटिंग की थी। अब ये इसमें भी क्या होता है, पहले तो टीवी होते थे ना, आप रिमोट दबाते थे तो ऑन होता था, अब क्रोमकास्ट ये जब से आया तो टीवी से भी आप बात करते हैं, आप कहते हैं हे गूगल टर्न ऑन टीवी, टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें जो भी यूट्यूब वगैरह जो भी होता है एंड्रॉयड टीवी में, वो केबल कनेक्शन का दौर तो ख़त्म हो गया, अब यूट्यूब देखते हैं लोग टीवी पे, तो आप बोलते हैं वो लगा देते हैं जो भी होता है। इसका रिमोट भी होता है कि उसमें माइक का बटन होता है, प्रेस करके आप बोलें वो लिखता है। पहले होता था ना कि जो टीवी का कीबोर्ड होता था, टीवी का जो रिमोट होता था उसके पीछे साइड पर फुल कीबोर्ड होता था, उस पर आप टाइप करते थे, वो ख़त्म हो गया, आप बोल के होता है, आपने कहीं पर क्लिक किया लिखने वाली जगह पर तो आप माइक प्रेस करते हैं और बोलते हैं, तो वो डिक्टेशन पूरी लिख रहा होगा आपका, तो वो उर्दू में भी लिखता है इंग्लिश में भी लिखता है, तो हम नए दौर में दाखिल हो गए। अच्छा, तो ये अलर्ट इन्होंने पहला कोड ही बता दिया कि भाई अलर्ट है। अब ये अलर्ट को लिखेंगे कैसे वो इन्होंने अभी तक यहाँ पे नहीं बताया, तो हम क्या करते हैं भला, हम चले जाते हैं अपने कोड में, जो हमने कोड ये रहा सेक्शन 8, ठीक है। हेलो वर्ल्ड HTML, हेलो वर्ल्ड CSS, हेलो वर्ल्ड फ्लैक्स बॉक्स। अब हम क्या बना देते हैं, 4.helloworld JavaScript और AMD, मैं AMD यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे। अच्छा, AMD में जो JavaScript चलती है वो कैसे चलती है, वो HTML की फाइल के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि AMD JavaScript ब्राउज़र वाली JavaScript जो है उसकी बात हो रही है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गौर से देखना, जब मैं HTML की फाइल बनाता हूँ मैं ऐसे ये शॉर्टकट लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मुझे सजेशन दे देता है, ये सजेशन मुझे किसने दी, VS कोड ने। जैसे ही क्लिक करता हूँ बेसिक JavaScript लिखी, बेसिक HTML जो है वो लिखी हुई आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैं इसमें एक तो H1 लगा देता हूँ, मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड JavaScript AMD, ये मैंने लिख दिया। अब इतने को पहले चला के देख लेते हैं कि इतना सही चल गया या नहीं चल गया। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई JavaScript राइट क्लिक कॉपी पार्ट्स, सही है, इतने को मैंने चला लिया, इतना आप सब लोग चला चुके हैं, यहाँ तक की चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे JavaScript जब मुझे ऐड करनी है तो बॉडी के आखिर में मैं क्या करूँगा, जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है ना उससे एक लाइन पहले SCRIPT स्क्रिप्ट का एक मार्कअप लगाऊंगा मैं, ठीक है। जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही थी मैंने वहाँ पे क्या किया, स्क्रिप्ट का एक मार्कअप लगाया, स्क्रिप्ट का टैग ओपन, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज, ये पूरा स्क्रिप्ट का एलिमेंट या स्क्रिप्ट का मार्कअप आप इसको कह लें, ये HTML फाइल है, यस।
ठीक है, ये HTML की फाइल है जो आप लोग पहले भी बना चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने JavaScript का कोई भी कोड जो आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे अब। अच्छा, मैंने सबसे पहले कोड क्या सीखा, अलर्ट, और मैंने अलर्ट लिखा ये करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, बस सिर्फ हेलो लिखा। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ है नोट करने वाली है। नंबर एक, अलर्ट एक कीवर्ड है। अलर्ट क्या है, एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या चीज़ होती है, देखो जैसे इंसानों की लैंग्वेज है ना, उसमें वर्ड्स होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे मैं, आप, पढ़ाई, लिखाई, दरवाज़ा, ये वर्ड्स हैं सारे ना, इन हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब है। अब जब मैं कोई बात अपन कहता हूँ ना, जब मैं, जी दोस्त, अच्छा वो दो मिनट में छोड़ता हूँ, जब मैं कोई भी बात कहता हूँ तो वो इन सारे वर्ड्स को मिला के जुमला बनता है ना। अच्छा, तो इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि कंप्यूटर को मैं अपनी बात जब बताना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। तो जाहिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये वर्ड्स कोई मिल के जुमला तैयार होता होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, की वर्ड, और एक जुमला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। सही है, तो ये जो पूरा है ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, और जस्ट ये अलर्ट जो है क्या है, कीवर्ड है। अच्छा, तो ये हमने डेटा ले लिया। अच्छा, अब अलर्ट को लिखने का ना एक खास तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स, या उसकी ग्रामर कह लो उसको, ठीक है। इसमें टर्मिनोलॉजीज है, ये सिंटैक्स बोलते हैं, ग्रामर ये है असल में, लेकिन नाम इसका यहाँ पे सिंटैक्स है। तो इसको लिखने का जो सिंटैक्स है वो क्या है कि मैं अलर्ट लिखूंगा, गोल ब्रैकेट ओपन, और आखिर में गोल ब्रैकेट क्लोज, और उसके दरमियान में हेलो, या कोई भी डबल कोटेशन में नहीं ये बात लिखी है। डबल कोटेशन का मतलब है कि मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो डबल कोटेशन में मैंने बीच में कोई भी बात लिख दी। सही है, हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया पूरा, ठीक है, या सिर्फ हेलो लिख दिया, एक ही बात है। और आखिर में ये लाइन टर्मिनेटर जो सेमी कॉलन है ना, इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट में, लाइन टर्मिनेटर या स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो जब ये आ जाए इसका मतलब है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, अब अगली बात अगली लाइन में होगी। सही है। अच्छा, तो इतना पहले हम चला के देख लेते हैं, इतना कोड अगर मेरा सही लिखा है मैंने तो क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाना चाहिए जिसमें हेलो लिखा हो, जो भी मैंने बात लिखी है। अच्छा, इसको चलाने का तरीका क्या है, वही कॉपी पाथ, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, चल गई जाओ, ठीक है, ये चल गई और ये हेलो लिखा हुआ मेरा। अच्छा, तो ये हमने AMD का हेलो वर्ल्ड इस वक्त यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, रन कर लिया। अब हमने कौन सा वाला हेलो वर्ल्ड रन करना है, नॉट JS वाला या मॉड्यूल JS कह लो उसको, ठीक है, उसका हमने हेलो वर्ल्ड रन करना है। अच्छा, नमाज पढ़ के आप लोग आ जाएं, फिर हम वो रन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग यही काम सेम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो ये शेयर नहीं है ना, इसलिए कर देता हूँ दोबारा से। अच्छा, तो ये हमने हेलो वर्ल्ड बना लिया था जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर पे, जी लाइट ऑफ कर दो पीछे वाली, मेरे ख्याल इसके साथ कनेक्टेड है। सही है, हाँ, अरे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। खैर, तो ये आ गया अलर्ट सामने लिखा हुआ हमारे, कोड में जूम इन इसीलिए कर देता हूँ ताकि पीछे तक सब लोगों को सही नजर आए। अच्छा, तो ये हमने एक अलर्ट हेलो वर्ल्ड का बना लिया। अच्छा, अब हम साथ साथ क्या करेंगे, इसी के अंदर मैंने एक फोल्डर और बनाया और मैंने लिखा फाइव हेलो वर्ल्ड मॉड्यूल JS। सही है, एंटर। इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई, अब की बार मैं फाइल HTML की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो JavaScript है ना ये किस पे चलेगी, ये डायरेक्ट बगैर ब्राउजर के डायरेक्ट रन होगी,
अच्छा तो इसका नाम मैं रखूँगा ऐप डॉट जे एस, कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे उसमें था ना इंडेक्स होना ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें ऐप डॉट जे एस, सर्वर डॉट जे एस, माई ऐप, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। अच्छा एम जे एस, जे एस भी नहीं है, सही है, क्योंकि मॉड्यूल जे एस जो है ना बिल्कुल नई वाली, उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एम जे एस होता है। अच्छा ये एम जे एस में आया मैं, अच्छा क्योंकि ये डायरेक्ट टर्मिनल पे चलेगी, तो टर्मिनल पे वो डायलॉग बॉक्स यू आई तो नहीं होगा ना, ठीक है, यू आई तो नहीं होगा वहाँ पे, तो वो अलर्ट जाहिर है फिर उस पर काम नहीं करेगा, तो उस पर अलर्ट की जगह क्या होता है, कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है अभी मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, मैं जब पूरा बता दूँ तो फिर सवाल लूँगा, ठीक है, फिर सवाल करना। अच्छा तो ये मैंने एक ऐप डॉट एम जे एस के नाम से एक फाइल बना ली, और उस एम जे एस की फाइल में मैंने क्या लिखा, कॉन्सोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग जो है वो कॉन्सोल पे प्रिंट करेगा, यानी आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना उसके ऊपर प्रिंट करके देगा आपको ये लाइन। अच्छा इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको चलाने के लिए मैं खोलूँगा टर्मिनल, इस फोल्डर में टर्मिनल खोलूँगा मैं, ठीक है, मैं अभी रूट पर खुला हुआ है ना मेरे, ये जो आपकी क्लास का फोल्डर है ना, सैलानी ए आई चैट बॉट बैच 2A, सही है, मैं तो मुझे इस फोल्डर में पहले तो जाना पड़ेगा, मैं कहा CD और हेलो वर्ल्ड, और क्या था ये, हेलो वर्ल्ड के बाद मॉड्यूल डॉट जेएस, तो M लिखूँगा, क्या सीन है ये, CD होकर उसमें जा रहा नहीं है, क्या सीन है, CD5, अच्छा सही, वो शुरू में 5 भी था वो मिस कर रहा था। अच्छा तो देखो मैं आप किसके अंदर आ गया हूँ, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, यानी कि मेरे जो भी जो मेरे फोल्डर नंबर 5 है ना उसके अंदर मैं आ गया हूँ टर्मिनल के ऊपर। अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि वो जगह क्लियर हो जाए। अच्छा यहाँ पे आके अब मैंने लिखना क्या है, कमांड का नाम, कमांड का नाम है नॉर्ड स्पेस और ऐप डॉट एम जे एस, ये लिख के एंटर कर देना है। ये लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ गया, ये हमने हेलो वर्ल्ड बना लिया मॉड्यूल जे एस का। लेकिन आप जब ये कमांड लिखेंगे ना नॉट और स्पेस डाल के ऐप डॉट एम जे एस, तो आपके पास आएगा एरर, ठीक है, एरर क्या आएगा, वो बोलेगा यार ये नॉट जो आप लिख रहे हो ना ये मुझे नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है, वो बोलेगा कि नॉट इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये नॉट ना आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है, वो कैसे इंस्टॉल होगा बता देता हूँ मैं, बहुत आसान है, गूगल पे जाके लिखा नॉट जे एस, ये पहला लिंक आ गया नॉट जे एस का। अच्छा इसके अंदर आप देखें दो वर्जन आ रहे हैं नॉट जे एस के, एक पे लिखा हुआ है LTS, LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये आप लोगों को ना अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है, जैसे ही आप अपनी मशीन में ये इंस्टॉल कर लेंगे समटाइम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम नहीं भी पड़ती, ठीक है, तो ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप जब कमांड चलाएंगे तो आपको एरर नहीं देगा, फिर वो चल जाएगा। तो ये हमने क्या बना लिया, दो तरह का हमने हेलो वर्ल्ड बना लिया, एक ब्राउज़र वाला और एक टर्मिनल वाला, ठीक है, हम जो इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा वो टर्मिनल वाला इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन हम वो दूसरा वाला भी दोनों हम कर रहे होंगे इस कोर्स के दौरान, हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि आप सब लोग ना ये दोनों बनाएं ज़रा अपने पास, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हो जाएगा, बहुत आसान है, इस में मशीन में बहुत सारी मशीन में नॉट जी एस पहले से इंस्टॉल होगा, आपको करने की ज़रूरत शायद ना पड़े, ठीक है, अगर वो एरर देगा तो फिर आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन इसमें जब करेंगे ना तो वो पासवर्ड मांगता है, वो बाहर से बुला लीजिएगा किसी को, ठीक है, वो पासवर्ड, जब आप फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा, जब आप इंस्टॉल करने लगेंगे ना तो वो पासवर्ड मांगता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो वो बाहर से किसी को बुला लीजिएगा, तो ये एक बात हो गई। नंबर दो बात, अब घर से आपको क्या करके आना है वो असाइनमेंट भी बता देता हूँ, घर से आपको करना ये है कि अब हेलो वर्ल्ड तो बना लिया हमने, फाइल हमें जावा स्क्रिप्ट की रन करना आ गई है, ठीक है, हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल रन करना आ गई है, तो ये जो बुक है ना, ये बुक आप लोगों से शेयर शायद पहले भी की जा चुकी है, दोबारा कर देगा कोई ना कोई अगर नहीं है तो, ठीक है,
ठीक है, किसी के पास बुक नहीं हो ना तो ग्रुप में लिख देना कि भाई बुक नहीं है, शेयर कर दे कोई, तो कोई भी आप में से शेयर कर देगा। ये गूगल भी करेंगे तो उस पर मिल जाएगी आपको, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसके जो चार चैप्टर हैं, अच्छा पहला चैप्टर तो हमने पढ़ लिया ना, अभी करके भी देख लिया, इसके चार चैप्टर आपको ना घर से पढ़ के आने हैं, ठीक है। अब पढ़ के आने का मतलब ये कि वर्ड बाई वर्ड आपने पढ़ा हुआ भी हो और जो ये बता रहा है वो आपने किया हुआ भी हो, ये आपको घर से करके आना है अगले चार चैप्टर। मुश्किल तो नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और इसके चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, इस बुक की अच्छी बात ये देखो, ये चैप्टर नंबर वन है ना, ये ख़त्म हो गया, ये ब्लैक आ गया ना नीचे, ख़त्म हो गया। इसके नीचे यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, इसमें आपने जाके प्रैक्टिस करनी है, ये मैं नहीं करवाऊँगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, ये अगला चैप्टर यहाँ शुरू हुआ, उसके बाद ये दूसरे पेज पर ही ख़त्म हो गया, तीसरे पेज पर, तीन पेज का चैप्टर है, एक पेज, दो पेज और ये तीन पेज, तीन पेज का चैप्टर है। अच्छा, चैप्टर नंबर फोर, ये थ्री, चैप्टर नंबर थ्री, ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चार चैप्टर अगर आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़े, मंडे को अब आपकी क्लास होगी ना, तीन दिन छुट्टी है, तो मेरा ख्याल है कोई मसला तो नहीं है। मंडे क्यों ऑफ है? इसका मतलब है असाइनमेंट में कुछ एक दो चीज़ें और भी ऐड की जा सकती हैं। अच्छा, खैर, अच्छा ये जो इसके आगे के चार चैप्टर हैं ना, इसमें थ्योरी बहुत सारी है, तो वो थ्योरी मैं चाहता हूँ अब एक दफ़ा ना खुद से पढ़ लें, फिर जब यहाँ पे हम आएंगे ना, देखो इस क्लास को हमें लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर। दुनिया भर में जो क्लासेस होती है ना, वो इस तरह नहीं होती कि बुक खोल के टीचर बैठा हुआ है और वो बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ती है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आप तो बल्कि पब्लिक हो गई ना, सारे लेक्चर MIT के, हॉवर्ड के सारे लेक्चर पब्लिक हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके लिखेंगे MIT स्प्रिंग 2000, क्या चल रहा है अभी, 22 चल रहा है, तो 2021 वाला पब्लिक होगा, आप लिखेंगे स्प्रिंग 2021 आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस लिखते हैं आप, डेटा एनालिसिस लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे, जो जो पढ़ाते हैं वो सब पब्लिक है। आप उसमें देखेंगे जब वो आता है ना टीचर क्लास में, तो टीचर क्लास में आके डायरेक्ट बातें करना शुरू करता है, और प्रोजेक्टर भी होता है छोटा सा कोने में लगा होता है, वो डायरेक्ट बातें करना शुरू करता है, डायरेक्ट आता है क्लास बोर्ड पे एक नाम लिखता है और उसके बारे में बात करता है, जैसे एक वेरिएबल है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है ना अगला, वो वेरिएबल्स है, तो अगर ये हॉवर्ड की क्लास होती ना या MIT की होती, तो टीचर क्लास में आता और वो उसने वेरिएबल लिखता है और वो वेरिएबल के बारे में फिर शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर जब वो निकलने लगेगा ना क्लास से पढ़ा के, तो वो बोलेगा कि यार अब अगली जो क्लास है ना उसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम देखें, मैथ एक्सप्रेशंस पढ़ाऊँगा, तो मैथ एक्सप्रेशन जो है ना चैप्टर 5, 6, 7, ये तीन चैप्टर हैं, इसमें ये बात हुई भी है, अगली क्लास में पढ़ के आना, सही है, बुक में। तो जब अगले दिन जब वो क्लास में आएगा, वो एज्यूम कर रहा होगा कि ये बुक में पढ़ चुका है बंदा, तो वो जो बोर्ड पे आगे लिखेगा ना मैथ एक्सप्रेशन, तो वो बुक से आगे की बात शुरू करेगा, जो बुक में मौजूद नहीं है उसके आगे की बात शुरू करेगा, समझ रहे हो। तो हमें इस क्लास को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए कि बुक में जो बात लिखी हुई है वो आप पहले से पढ़ कर आएँ, मैं यहाँ पे आके बुक के आगे की बात शुरू करूँ। लेकिन ये उसी सूरत में हो पाएगा जब आप लोग कोऑपरेट करें, अगर आप लोग नहीं अपनी एनर्जी दिखाएंगे तो फिर अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, मैं बुक खोलूँगा, जो सैलानी का मिनिमम रिक्वायरमेंट सैलानी में मेरे लिए यही है कि मैं बुक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ा दूँ आपको, ठीक है, आपसे असाइनमेंट्स बनवा लूँ कुछ, आपसे प्रोजेक्ट्स बनवा लूँ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो मैं कुछ ना कुछ करके फिर वो पूरी करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो मैं देखें आपको शायद लगेगा ये अपने बारे में पता नहीं लंबी लंबी छोड़ रहा है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है। मैं 2011 में मैट्रिक किया मैंने, और मैट्रिक के फ़ौरन बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसी वक्त मेरे समझ में आ गया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, तो उस वक्त से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ। इंटर में पहली दफ़ा मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, हमारे बड़े अच्छे टीचर थे नौशाद आर्दू साहब, उनसे मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, तो इत्तेफाक से मिल गया था हमें वो, तो कॉलेज में और तो कोई आता नहीं था उनके अलावा, एक ही टीचर आते थे, तो हम सब मिल के उनको पकड़ देते थे, ठीक है, तो उनसे तो पहली दफ़ा मैंने वहाँ पर पढ़ी थी। तो 10 साल मुझे हो गए प्रोग्रामिंग से मेरा रिलेशन है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने मार्केट के, फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ अभी, अपनी छोटी सी कंपनी भी रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो
उसके अलावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करने का एक्सपोजर है, जावास्क्रिप्ट के अलावा भी कई लैंग्वेजेस पे, पाइथन है, सी, सबसे पहली सी सीखी थी मैंने लैंग्वेज, उसमें मैंने काफ़ी उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ। जज़ाइर जब मैं एक पढ़ाता है ना बंदा, अच्छा पढ़ा भी मैं जब से ही रहा हूँ, 2012-13 में मैंने ये वाली क्लास पढ़ाना शुरू हो गया, तो मुझे वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हुए भी शायद कोई हो गए 6-7 साल। वैसे तो मैं, मेरी अम्मी जो है टीचर थी, मेरी अम्मी का 20 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है शादी से भी पहले स्कूल वगैरह में, तो मेरे ब्लड में ये टीचिंग जो है ना मेरे ब्लड में, ये मेरी अम्मी से मुझे मिली लेगेसी में काइंड ऑफ। तो हम जब मैं बचपन में मैंने अपने घर में जब आँख खोली है, तो मेरे घर में ट्यूशन पढ़ने आते थे बच्चे, भरे हुए होते थे बहुत सारे, तो उनकी भी कॉपी वॉपी चेक कर रहा होता था अम्मी के साथ मिलकर, छोटे होते थे बिल्कुल, जाहिर है मैं अगर 5 क्लास में हूँ वो 1 क्लास में, तो मैं उसको डील कर सकता हूँ। तो टीचिंग जो इन जनरल टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो तो मेरा शायद जितनी मेरी उम्र है उतनी है पढ़ा ही रहा हूँ बचपन से, ठीक है। यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में जो मेरी यूनिवर्सिटी के फेलोज थे वो मेरे से पढ़ने के लिए आते थे, अभी वो माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउसेज में सारे लोग जॉब कर रहे हैं। तो टीचिंग का मेरा बहुत एक्सपीरियंस है और लेगेसी भी है टीचिंग की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टीचिंग है ना, वो भी जब मैंने, ज़ाहिर है मेरी एक आदत है कि जो मैं चीज़ सीखता हूँ वो मैं सिखाता भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उससे बड़ा फ़ायदा होता है, मैं फ़ौरन सीख जाता हूँ, अगर मैं किसी को सिखाऊँ ना तो फ़ौरन सीख जाता हूँ। फिर दूसरा ये कि जब क्लास में आके बैठते हैं, सामने से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, आप लोगों ने तो पूछने नहीं शुरू किए लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह करेंगे आप, तो सवाल जब पूछते हैं ना तो नई नई चीज़ें, क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं, नई नई चीज़ें पूछते हैं, तो मेरे जहन में भी फिर सवाल आते हैं, मैं रिसर्च करता हूँ, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जो बुक में मौजूद नहीं है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। मैंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए मुख्तलिफ तरह की जो ऐप्स बनाई हैं आज तक, जाहिर है फ्री लांस में ना कोई भी बंदा आ जाता है और वो कुछ भी बोल देता है कि यार मेरे को ये चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नए फ्रेमवर्क्स हैं जो बुक में मौजूद नहीं होते, वो अभी इतने नए होते हैं कि बुक तक पहुँचने में उनको 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे। तो डायलॉग फ्लो जो हम पढ़ेंगे ना इस कोर्स में, उसकी अभी तक कोई बुक नहीं है, ठीक है। उसका ये तीसरा वर्जन अब आने वाला है, अभी V2 है जो स्टैंडर्ड बॉम पढ़ेंगे, तीसरा वर्जन आने वाला है, उसकी कोई बुक नहीं है अभी तक। आप जाके सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, कोई बुक नहीं है उसकी। एक बंदे ने बुक लिखी भी थी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा स्किल किट, लेकिन उसने डायलॉग फ्लो उसमें जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। और 2-2 साल के गैप से इसका वर्जन ऐसे ब्रेकिंग चेंज हुआ है कि बेचारा वो लिख भी रहा होगा ना कोई बुक, तो उसने बोला वह छोड़ दो भाई, इसको अभी स्टेबल होने दो फिर लिखूंगा, तो बुक कोई नहीं है उसकी। तो मैंने भी खुद से सीखा है, डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट पढ़ के सीखी है, आपको भी मैं वो डॉक्यूमेंटेशन ही दिखाऊंगा, उसी से पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी पे जब आप काम करते हैं ना डिफरेंट, जब सिर्फ वेब के तकरीबन 4 मुख्तलिफ फ्रेमवर्क मैंने देखे हैं, जब मैं काम शुरू किया था मैंने उस वक्त एंगुलर होती थी, एंगुलर JS करके एक चीज़ होती थी, उस पर हम काम करते थे। फिर उसके साथ साथ मोबाइल ऐप बनाने की एक फ्रेमवर्क होता था आयोनिक, वो तो उसका कोई आप शायद नाम भी नहीं पता है लोगों को कि वो आयोनिक करके एक, अच्छा फिर उसके बाद एंगुलर का सेकेंड वर्जन आया, उन्होंने बोला यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, तो वो पूरा चेंज हो गया। फिर उसके बाद वो 2 में कुछ ऐसे मसले मसाए हो गए, फिर रिएक्ट आ गया, जो रिएक्ट अभी भी आप देख रहे हैं, रिएक्ट भी जब शुरू में आया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, बीच में छोटे मोटे फ्रेमवर्क आते जाते रहे। तो सिर्फ वेब के तकरीबन 4-5 फ्रेमवर्क मैं देख चुका हूँ अभी। अब एक Next.js करके अभी चल रहा है बहुत, लेकिन साथ साथ वो एक और भी है Vue.js, वो भी बड़ा चल रहा है। तो क्लाइंट आगे कुछ भी बोल देता है, कहता है यार मुझे व्यू पे चाहिए। अब कहीं उसने सेमिनार ले लिया, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये Washington DC में या सिलिकॉन वैली में ही जाके सेमिनार्स करते हैं। अब वो सेमिनार करते हैं, एक आम बिजनेसमैन आया बैठा, कोई कॉफ़ी शॉप वाला है, उसने ले लिया उस, अब वो उसको Vue.js के इतने फजाइल सुनाएगा, वो बोलेगा यार Vue.js से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है, वो कहेगा भाई मुझे Vue.js पे ही चाहिए, भले आप उसको रिएक्ट पे बना के ना आप बोल दें व्यू पे, वो खुश हो जाएगा ये लेवल होता है। तो लेकिन जाहिर है झूठ तो नहीं बोल सकते हम, करना पड़ता है किसी को, तो वो चीज़ सीखनी पड़ती है। तो ये जो बार बार सीखने का प्रोसेस है ना, ये ऐसी स्किल्स पैदा कर देता है, और मैं चाहता हूँ कि ये स्किल आपके अंदर भी पैदा हो, खुद से चीज़ें सीखना शुरू करता हूँ। ये इस क्लास के एंड में आपको मैं ऐसी चीज़ें बता दूँ, ऐसे तरीके ऐसे रास्ते सिखा दूँ कि आप इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको किसी टीचर की ज़रूरत ना रहे कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। जाहिर है अगर मैं अपनी भी अगर बात करूँ, जैसे मुझे अगर ब्लॉकचेन सीखनी है, ठीक
ठीक है, मैं भी ब्लॉकचेन सीखने के चक्करों में लगा हुआ हूँ। वैसे तो मुझे थोड़ी बहुत आती है पहले भी, लेकिन प्रोफेशनल वाला फुल फ्लैश के बड़ी ऐप्स जिसमें बनाया कोई सिखा, तो अगर कोई कोर्स सिखा रहा होगा मैं पैसे दे के सीख लूँगा वहाँ जाके, टाइम बचेगा मेरा, बाहर खुद से सीखने में तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेहतर तो यही है कि कोई अगर सिखा रहा है पैसे दे के आप जाके सीख लो, ज़िंदगी में सुकून लाओगे। लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं है या कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद से रिसर्च करके उसको सीख लें। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को डॉक्यूमेंट से देख के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इंशाल्लाह हम इस क्लास में सारी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या चाहिए, आपकी कोऑपरेशन चाहिए। जैसे कि आज हुआ, मैंने कल एक असाइनमेंट दिया था, 2-3 लिंक आए मेरे पास। ये हालत रही ना अगर, तो बेयरली फिर हम इसका कंटेंट कवर करेंगे जो क्लास का कंटेंट है, और बस ये होगा, ठीक है। और मुश्किल तो है, आप कहेंगे सर ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो भाई है, मुश्किल चीज़ के ही पैसे हैं। और आसानी अगर ढूंढ रहे हो ना तो इस दुनिया में नहीं मिलेगी। इमरान खान कह रहा था ना कि सुकून का है कब्र में ही है, और पता नहीं कब्र में भी है या नहीं है। वो तो कब्र में जाके ही पता चलेगा कि वहाँ क्या है। तो भाई इस दुनिया में अगर सुकून ढूंढ रहे हो ना, नहीं, वो मिर्ज़ा गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि हयात कैदे हयात और बंदो गम, कैदे कैद कहते हैं वो जो कहीं बंद कर दे आपको, भी कैदे हयात है ना। अभी हमने सांस जो पहली सांस ली थी वहाँ से शुरू हुई है ये कैद, और ये आखिरी सांस तक एक कैद में है। आप सल्लम ने भी कहा कि भाई मोमिन के लिए कैद खाना है दुनिया, तो कैदे हयात में हम इसमें, और बंदो गम, बंद भी किसी ने कमरे में बंद कर दिया है कि गम के अंदर बंद है, भाई गम के दरिया में डुबो दिया किसी ने और डुबो के अंदर पैक कर दिया है, वो दोनों एक ही हैं असल में। ये ज़िंदगी क्या है, ये गमों का दरिया है। कैदे हयात और बंदो गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, मौत से पहले आदमी गम से निजात नहीं पा सकता, यानी मुश्किलात की बात हो रही है। तो मुश्किल है ये, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, टफ ज़िंदगी को, टफ जितनी टफनेस अभी फेस कर सकते हो ना अभी कर लो। टीनेजर तो अभी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी मेहनत कर सकते हो। थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाएगी ना फिर बॉडी भी पेन करना शुरू कर देती है, उस तरह से आप एफर्ट्स नहीं कर सकते। अभी आप, अभी मैं 12-12 घंटे कंप्यूटर के आगे 14-14 घंटे बैठ जाता हूँ, लेकिन जाहिर है आज से 5-10 साल बाद ये फिर नहीं रहती हालत कि आप 12 घंटे कंप्यूटर के आगे स्ट्रेट बैठ सकें। तो अभी अगर मेहनत कर लोगे ना तो हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये बनाना शुरू करो ये हेलो वर्ल्ड, और जिसका बन जाए फिर वो घर चलोगे।